आने वाले हरिद्वार कुंभ में 1 लाख संतों का बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। यहाँ पर एक संत के तौर पे आए थे, राजनीतिक के तौर पे। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात पे किसी को यकीन नहीं है। देश का संत समाज किसानों के साथ है, शंकराचार्य जी की उपस्थिति में ये फैसला हुआ है और आने वाले कुंभ में अगर तब तक सरकार को सद्बुद्धि नहीं आती है, ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो आने वाले हरिद्वार कुंभ में 1 लाख संतों का बहुत बड़ा सम्मेलन होगा और देश का संत किसानों के साथ सड़क पे उतरेगा। आप संत भी हैं, राष्ट्रीय पार्टी से भी रिश्ता रखते हैं, तो कांग्रेस का यूटर्न है ऐसा बीजेपी का कहना है कि पहले बीएमसी मंडी की बात की जाती थी। इसमें ना राजनीति कोई बात है, ना राजनीतिक दल की कोई बात है, देश का संत समाज किसानों के साथ है और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी इस लड़ाई में साथ देगा। यहाँ पर एक संत के तौर पे आए थे, राजनीति के तौर पे। मैं यहाँ कल्कि पीठ की पीठाधीश्वर होने के रूप में आया हूँ और मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। ठीक प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात पे किसी को यकीन नहीं है। किसान तीनों काले कानूनों को वापस होना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। जहां तक सवाल है संशोधन का, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि जिस कानून का विरोध देश का किसान कर रहा है, आखिर वो वापस क्यों नहीं किए जा रहे हैं? वो एक तरफ तो 1500 कानून खत्म करते हैं, एक तरफ देश की जनता चाहती है तीनों काले कानून खत्म हो, तो प्रधानमंत्री जी को भावनाओं को समझते हुए, हम समझते थे प्रधानमंत्री का दिल पिघलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री पत्थर दिल हो गए। नहीं नहीं, सवाल कांग्रेस का और भाजपा का नहीं है, सवाल देश के किसानों के भविष्य का है। अगर देश का किसान चाहता है ये कानून वापस हो, तो वापस होने चाहिए। सर, एक और सवाल है आपसे, हम जो पंजाब में जो कृषि कानून है उसमें भी किसानों के खिलाफ 5 लाख का जुर्माना और उनके जेल का भी प्रावधान है, आप लोग उसके लिए क्या बोलेंगे? वहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार हो, देखिए नहीं, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर कोई कानून किसानों के विरोध में है तो उसे वापस लेना चाहिए। अगर कहीं 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 सरकार कांग्रेस की है तो कांग्रेस की सरकार को भी लेना चाहिए, भाजपा की सरकार है भाजपा को भी लेना चाहिए। आज कांग्रेस नेता यहाँ पर शामिल हुए या आप एक आचार्य होने के नाते? ये संत समाज का समर्थन है।